हाय किड्स, हाय सर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है हमारा क्या है? टीम वर्क। तो जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का पहले हम देखते हैं कि उस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। तो हमारे पास लिखा हुआ है टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क। अब देखो, जो भी काम हम टीम में करते हैं तो उस काम में हमको क्या मिलती है? सफलता मिलती है। ठीक है, तो उसी के बारे में ये चैप्टर है कि टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क। मतलब जब हम कोई भी काम साथ करेंगे तो जो भी हमने सपने देखे हैं वो सपने क्या हो जाएंगे? सच हो जाएंगे। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, टीम वर्क एवरीवेयर। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, उसके बाद जो भी कुछ हमने किया है तो उस खुशी को हम क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है, टीम वर्क एवरीवन। और हर एक आदमी क्या करेगा? एक टीम वर्क में काम करेगा, एक टीम में रह के काम करेगा। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप। इसका मतलब जब हम बास्केटबॉल को, वो जो जाली होती है ना, वो लगी हुई, उस जाली के अंदर डालते हैं तो उसमें भी हमको एक मजा आता है। उसको क्या बोलते हैं? जो गोला होता है लोहे का, उसको बोलते हैं हम क्या? हूप। बट इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स। इसका लेकिन वो भी एक टीम वर्क है। जब भी हम बास्केटबॉल का गेम खेल रहे हैं, हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, उसमें टीम वर्क होता है। टीम वर्क का मतलब है कि बॉल एक दूसरे को पास करनी पड़ती है। और अगर एक दूसरे को हम बॉल पास नहीं करेंगे तो क्या होगा? हार जाएंगे, गेम में शूट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई भी डाल नहीं पाएगा। ठीक है, एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। इसी प्रकार जैसे रिले रेस होती है, रिले रेस में क्या होती है? बैटन होती है जिसको हम एक दूसरे को क्या करते हैं? पास करते हैं। तो इसका मतलब अगर उसमें भी एक दूसरे को हम पास अगर ना करें वो बैटन, तो वो रेस भी क्या हो जाएगी? हमारी हार जाएंगे, वो रेस हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल। इसका मतलब हम छोटे छोटे टुकड़े हैं और हम टुकड़ों से क्या बनता है? एक पूरा हिस्सा बनता है, एक पूरा बनता है। उसे टुकड़ों टुकड़ों से मिलकर क्या बनता है? एक पूरा। जैसे हम पूरा एक स्कूल है तो हम सबसे मिलकर क्या बनता है? ये स्कूल बनता है। मतलब बच्चे हैं उसमें क्या है? टीचर्स हैं, फर्नीचर है हमारा, तो उन सबसे मिलके क्या बनता है? स्कूल बनता है। एंड वी हैव गॉट आवर आईज ऑन अ कॉमन गोल। और हम सबका लक्ष्य क्या होता है? एक ही तरफ होता है। हमारा सबका गोल क्या होता है? एक ही होता है। जैसे आप सबका एक ही गोल क्या है? क्लास सिक्स में जाना। वेरी गुड। और अभी अच्छे से अच्छे नंबर लाना। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन अ यू और मी बिकम्स एन अस। और इस क्या होता है, उससे क्या होता है, कई बार हमको उससे एक मोटिवेशन भी मिलता है कि जब आप और मैं मिलके क्या बन जाते हैं? हम बन जाते हैं। वेरी गुड। व्हेन अ यू और मी बिकम्स एन अस, हम बन जाते हैं। तो किसने लिखी थी ये पोएम? जेन नीग्रो।